अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज छुट्टी करी है। क्यों करी है? थोड़ा बहुत काम था घर में और घर का थोड़ा काम करना था। और फातिमा ने भी आज छुट्टी, फातिमा आज आपकी छुट्टी थी क्या? आज आप स्कूल क्यों नहीं गई? मेरे पेपर चले, 1 दिन का गैप। एम जो है मोटरसाइकिल का भी सर्विस करवानी थी, ट्यूनिंग करवानी थी, बहुत ख़राब हो गई है, प्रॉब्लम कर रही है। तो आज बाइक वाले के पास जाएंगे, बाइक वाले के पास बाइक सेट करवाएंगे और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज है। आगे व्लॉग में साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चलें जी, नाश्ता वगैरह हो गया है और अब जाना है हमें बाइक की सर्विस कराने। पहला काम भाई, कामर भाई क्या काम है? ये मैं 89 का इलाका है और कामरन भाई के साथ तकरीबन हमारा ताल्लुक है। कामरन भाई 25 साल हो गए होंगे, 25-27 साल हो चुके हैं और बड़े भाई का इससे पुराना ताल्लुक है। चले दोस्तों, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डल रही हैं और उनके क्या क्या पैसे होंगे और उसके बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो भी मैं आपके साथ ऐसा ऐसा शेयर करता रहूँगा। और हाँ कामरन भाई, पोयो ऑयल है? पोयो ऑयल पोयो ऑयल नहीं डालना भाई, क्योंकि ये ना हो कि वो पहले में हम, दूसरे में तुम, तीसरे में तुम। आगे ठीक है, काम करवा रहा था तो ऐसी नज़र पड़ी नंबर प्लेट और जो बाइक के पीछे और आगे हम लोग फैंसी है, फैंसी नंबर प्लेट्स कहलाती हैं। तो माशाल्लाह से मैंने ला, चलो दिखाएं आप लोगों को, शौक करें। टाइम तो काम हो रहा है, उसके साथ साथ जो है नंबर प्लेट्स हैं फैंसी, आप लोग ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। ऑलरेडी जो है टेम्पलेट्स बने हुए हैं यहाँ पर। यार क्या रेट है भाई? 350 की कौन सी है? डबल वाली में ये सबसे महंगी वाली कौन सी है? 450। इसमें क्या क्या है फर्क, क्या है? रेट भी बड़ी है और मोटी है। अच्छा अच्छा इसमें कोई भी अपना लोगो वगैरह ला के दे सकते हैं, वो बना दोगे आप? ऑर्डर पर बन जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसके कितने पैसे लगेंगे? 400 रुपये। साढ़े 800 की। अच्छा अच्छा, सही है सही है। तो दोस्तों 200 रुपये से लेके 450 रुपये तक की नंबर प्लेट बनती है और सैंपल के तौर पे भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लगे स्टाइल वो आप यहाँ पे लेकर अपना नंबर गाड़ी का पंच करवा सकते हैं। ये हमारे जहांगीर भाई की शॉप है और होते 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 शिलिंग होते होते यहाँ तक पहुँच गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी जहांगीर भाई आते हैं तो इनसे और सामान लेते हैं। आप पढ़ते हो? आप पढ़ते हो? पढ़ा करो ना यार। अरे पढ़ने से इंजीनियर बनोगे, बड़ी कंपनी में जाओगे। यहाँ पे मैकेनिक हो राम जी को पढ़ो बेटा, बड़ी कंपनी में जाओ, बड़े इंजीनियर बनो। शाबाश, पढ़ा करो बेटा, काम भी सीखो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा करो। पढ़ोगे ना तो टोयोटा में जो ये होंडा की बाइक बना रहे उसके बड़े इंजीनियर बन जाओगे। फिर ये इस्तेमाल जो है खैर की मंडियाँ हैं और इसमें जो भी जाएगा वो इंशाल्लाह खैर लेकर आएगा। तो इसके अंदर जो है इंसान जो है ना ये लगेगा, देखो पहला
तलब पर अल्लाह पाक बुलाएंगे, जो तलब करेगा अल्लाह उसको बुलाएंगे। और मौत का बुलावा आता है, बाकी किसी चीज़ का बुलावा नहीं, उसके लिए तलब करना पड़ती है। तो इसमें जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की बात सुनेंगे, अल्लाह की नबियों की बात सुनेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आगे भी बढ़ेंगे, नबियों वाला काम है और दुनिया का सबसे बड़ा ऊँचा काम है जो अल्लाह ने नबियों को दिया। अभी जो काम करेगा अल्लाह पाक जो है उसकी दुनिया ही बनाएंगे अल्लाह उसकी आखिर। नहीं भाई, एक सवाल है छोटा सा, ये बताएं, ये जो हम लोग इज्तिमा की सूरत में एक साथ बैठते हैं या शब जुम्मा जो हमारा होता है जिसमें बुजुर्गाने दीन के साथ और हम लोग जुड़ते हैं एक साथ जुमरात को एक अमल करते हैं, ये इसके पीछे क्या है और हम ऐसा अमल क्यों करते हैं, अगर आपकी नॉलेज में तो वो शेयर करें, हम जैसे नए लोग इस बारे में सीखना चाहते हैं। भाई जुमरात के दिन कहा कि जुमरात के दिन अल्लाह के अमाल पेश होते हैं, सारी उम्मत के अमाल पेश होते हैं, और जुमरात का दिन ऐसा दिन है, पीर का दिन और जुमरात का दिन, इस दिन जो है अल्लाह के बाद जो है इंसानों के अमाल जाते हैं। और जुमरात की रात कहा कि भाई बड़ी रात है, इसके अंदर आदमी जो है अल्लाह से जो है मांगे, अल्लाह से दुआएँ करे और अल्लाह पाक जो है ना उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। और फिर जो है अल्लाह के रास्ते में निकलना, कहा बड़ों से सुना कि भाई जो अल्लाह के रास्ते में निकलता नहीं निकलता रहेगा तो कल मरने के बाद घर से निकलना भी आसान हो जाएगा, जो घर से नहीं निकलेंगे तो घर से निकल कर मरने के बाद घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाई एक अल्लाह के रास्ते में कहा कि जो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएगा अल्लाह उसकी जो है जो माल में जान में हर चीज़ में बरकत अता फरमाएंगे, और उसके रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे जो अल्लाह के रास्ते में। और दुनिया माफिया से बढ़कर कहा कि जो एक लम्हा अल्लाह के रास्ते में उतार दे दुनिया और दुनिया से बढ़कर। इसके लिए भाई अल्लाह के रास्ते में एक रात शब जुम्मा में जाना, उधर क़याम करना, बुजुर्गों की बात सुनना, पता नहीं कौन सा जो है हमारे को बात लग जाए और हमारी ज़िंदगी बिगड़ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये ऑयल है दो नंबर, ये ऑयल है दो नंबर, ये ऑयल है एक नंबर, अब आप जो डलवा रहे हो दो नंबर ऑयल है, लोकल ऑयल है, अब ये एक नंबर आप ऑयल डालेंगे इसकी क्वालिटी में तो फर्क आएगा ना, तो वो जो ऑयल चल रहा है गाड़ी में वो हल्का ऑयल है, लोकल ऑयल है, घर में लोगों ने जला हुआ ऑयल होता है उसको रिफाइन करके उसको बनाते हैं, ये जो है प्लांटों का बना हुआ ऑयल है, एक नंबर ऑयल है प्लांट। तो ये इसके और इसमें फ़र्क कैसे पता लगेगा, ये दो नंबर है एक एक, इसमें फ़र्क कैसे पता लगेगा, वैसे तो बताए इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, ऊपर के लोग किसकी बता रही है, हाँ ये थोड़ा सा बिल्कुल इसकी मॉडल जो है लोग बता रही है, और ये इसमें बहुत फिनिशिंग में फ़र्क है बार बार। फिर दूसरा ये कि तमाम चीज़ें सामने आ जाएगा यूज़ करने के बाद, ये अगर चलेगा आपका अल्लाह वाला करे 300 किलोमीटर पे, ये चल जाएगा आपका 150 किलोमीटर। बिल बनाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है बिल, आप देखना चाहेंगे भाई कितना बिल बनाते हैं हमारा। जी जहांगीर भाई ने बिल बनाया है 2770। अभी जाहिद भाई का भी बिल देख रहे हैं, उनसे भी दो चीज़ें ली थी हमने 850 रुपये। अब कामरन भाई पहले बाइक लेके गए थे और अब दोबारा बाइक लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दोबारा अगेन विंग्स की एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे जिसमें टारगेटेड मसल्स एक्सरसाइज जो है उसको करने की हम कोशिश करेंगे। विंग्स लगा रहे हैं और विंग्स के डिफरेंट मूव आप देख रहे हैं कि आज के दिन मैंने जो विंग्स में किस तरह से अपने मसल्स को कंट्रोल करके, क्योंकि कंट्रोल और टारगेटेड एक्सरसाइज करनी है, जो हमारे मसल्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर वेट और प्रॉपर एंगल से अगर हम लोड डालेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। और दूसरा एक अहम चीज़ ये है कि
जिम जगह अगर आप कर रहे हैं और पुराने हैं या नए, खसूस नए लोगों के लिए जो नए आए हैं एडमिशन है, उन लोगों के लिए ये राय है, ये मशवरा है कि वो वेट इतना ही उठाएं जितना उनको गाइड किया जाए। ईगो में आकर अपना वेट नहीं बढ़ाना, क्योंकि दो तीन से चार छः महीने आपके लिए दरकार हैं अपने बॉडी को पहले फॉर्म में लाना, फिर उसके बाद आपका जो है मसल्स कभी भी एक से दो महीने में आप जिम में आते ही आपका डेवलप नहीं होगा। मसल्स आपका किस तरह से डेवलप होगा ये हम इंशाल्लाह आगे सीरीज में डिस्कस करते रहेंगे, और छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।